तल्ला तो तू ले मरते ना गाड़ी क्लास। सो गाइस ये है हवेली, चीज बहुत बढ़िया है। सो फाइनली गाइस हमारे पास पैसे आ चुके हैं, अब हम इस मॉल पे जो है शॉपिंग करने जा सकते हैं। ये देखो दोस्तों, डेकोरेशन हो रही है हमारे शेख की, खट्टा खट्टा है। तू बस गाड़ियों की अनबॉक्सिंग ही क्या कर। Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Campin Vlog. और मेरे साथ पॉपुलर आदमी है मिस्टर रोहित नेगी उर्फ जॉनी नेगी। अभी हम निकले हैं इवनिंग सैर पर और आप पीछे सनसेट देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सनसेट है ये देखो। तो ये है कथेड़, न्यू कथेड़, और इस जगह का नाम है पुलिस लाइन। और शाम के वक्त सोलन शहर से बाहर निकलना अगर कोई चाहता है तो सबसे अच्छी जगह है वॉक के लिए और इवनिंग के लिए, सनसेट के लिए बहुत अच्छी जगह है। लोग इस ट्रैक पे जो है लर्निंग भी करते हैं, मतलब गाड़ी बाइक सीखने के भी लोग यहाँ काफ़ी आते हैं। शादी में जाना है? यू आर नॉट इन्वाइटेड ब्रो। तो गाइज आप सनसेट देख सकते हो। तो गाइज आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैं टी शर्ट में हूँ, मेरे को गर्मी लग रही है, इसको ठंड लग रही है। ये इसने फुल्ली जैकेट पाई हुई है, मैं चप्पलों में चला हूँ, ये जूते में चला हुआ है। ठंड लग रही है आपको नेगी जी? हाँ जी हाँ जी। क्यों लग रही है आपको ठंड? ऐसी बिना पैसे की हवा चल रही है। हवा चली चंडीगढ़ वाली? हाँ दोस्त, ये चंडीगढ़ हवा नहीं है, चंडीगढ़ वाली नहीं है, ये है सोलन वाली हवा। ये पीछे जो यहाँ पर इस तरफ ये रेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस है, और इधर है हवेली। तो अभी पास से दिखाएंगे आपको इस हवेली का रोमांचक व्यू। अच्छी चीज बनी है एक सोलन में, चीज बहुत बढ़िया है, बनिया। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ असली अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं, चीज बढ़िया है, हम जैसे लोग नहीं जा सकते। क्यों तुम जैसे? अच्छा तुम्हारे गेट से बाहर कर देते हैं, चल ना दो क्या है ना। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि फालतू बकवास कर रहे हैं व्लॉग में, क्या करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों ड्राइविंग रूल इनसे सीखे क्योंकि एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, तो ये कह रहे हैं कि हाईवे पे इस तरीके से बीच में रुकना मना है, नहीं रुकना चाहिए। अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है साले, अनिवार्य होता है। अनिवार्य नहीं है। अब भाई साले स्कूल भेज रहे थे तेरे को तब तो ज्ञान, तू उस टाइम तल्ला तो तू भी ले मरते ना गाड़ी, क्लास बंक करके भागते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, बीच हाईवे पे नहीं रुकना चाहिए आपको, और इस हाईवे पे स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा सकते हैं, इससे ऊपर आपके चलान हो सकते हैं। पीछे लास्ट में जो है कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, ये मिस्टर जॉनी हमें पूरी जो है इस बात की जानकारी देंगे। हाँ। तो गाइज ये सामने हवेली है, इसका नाम है सेंटर प्राइम, और यहाँ पर कुछ HRTC की बसेस भी रुकती है शाम खाना खाने। क्यों सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस। और गाइज यहाँ पर टूरिज्म का, ये है टूरिज्म का रेस्टोरेंट। हाँ ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के अंडर चलता है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर चलता है ये। ये ऊपर जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है सर्किट हाउस, सोलन का सर्किट हाउस, बहुत ही बढ़िया जगह है ये, बहुत बढ़िया जगह है। साथ में कथेड़ भी है। ये और जॉनी जी को गर्मी लगते हुए, गर्मी लग रही बॉस? गर्मी तो, और पाले एक जैकेट गर्मी लग रही कि नशा लग रहा है। ठंड। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री जी धन्यवाद कर रहे हैं, हिमाचल की जनता का हार्दिक धन्यवाद। तो नीचे को जब हम चंडीगढ़ से आगे जाते तब तो हवेलियाँ बहुत मिलती है वहाँ पर, सोलन में बनी हुई है इस वक्त, सोलन में एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आवाज आ रही है? आ रही है, ये देखो तुझे तो आ रही है, उसको आ रही है, चंडीगढ़ से आई हुई बस। तो नीचे को तो दिल्ली हाईवे पे तो बहुत सारी हवेलियाँ मिलती है जहाँ पे आप देखते होंगे कि खाना खाने के लिए लोग रुकते हैं, अच्छी अच्छी हवेलियाँ, लेकिन उससे भी बहुत अच्छी हवेलियाँ, बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने भी यहाँ पे बनाई है। तो आपको यहाँ से फ्रंट व्यू दिखाते हैं इसका कैसा है, एकदम लाइट ही लाइट है। सो गाइज ये है हवेली ब्रांड, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये ब्रांड्स क्या क्या ब्रांड्स यहाँ पर है, रेड टेप, मोची, फैन हंसन, और क्या है, मेरे को एक मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, मैं बोल भी नहीं पाता। नाउ ओपन हवेली खुल चुकी है। इसका मतलब क्या है? 2011 ये भाई जी तब से लेकर चल रही है, 2000 का मतलब है 2011 से चल रहा है ब्रांड। ये देखो गाइस क्या सॉलिड व्यू है इसका, बहुत सॉलिड।
चलो किसी दिन जब हम बड़े आदमी बनेंगे अंदर जाके हम इसको रिव्यू करेंगे गाइस। जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे मैं और जॉनी अगर गाइस हम बड़े आदमी बन गए तो उसके बाद हम जो है ये अंदर का भी एक्सपोज करेंगे। वैसे अभी जा भी सकते हैं पर क्या करना है, 1 रुपये तो होना चाहिए जेब में शगुन के नाम पे। तो जब हम अंदर जाएंगे किस दिन वहाँ पर जाएंगे तो अंदर का व्लॉग भी दिखाएंगे। पैसा बहुत है तेरे भाई के पास, पैसा है ना, रुपए नहीं है, रुपए अच्छी है भाई, पैसा तो रुपये भी है। तो गाइस यहाँ से विजिबिलिटी अच्छी है क्योंकि लाइट आ रही है। तो मैं कह रहा था कि जब हम थोड़े से बड़े आदमी हो जाएंगे तो हम अंदर जाके जो है व्लॉग बनाएंगे। साइड हो जा, चिल्लर निकाल रहा है दोस्तों, चिल्लर तेरे मुंह पे मार रहा हूं, निकल यहां से, दफा हो। सो फाइनली गाइस हमारे पास पैसे आ चुके हैं, अब हम इस मॉल पे जो है शॉपिंग करने जा सकते हैं। सिर्फ गेट तक जा सकते हैं, वहां से फिर हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये देखो गाइस, सोने का सोने का डॉलर डॉलर। तो गाइस गलत मोड़ रहा है यहां पे, तो तू रहने दे जॉनी, तब इससे हो जाएगी शॉपिंग हमारी। हां जी हां जी हो जाएगी। क्या मिलेगा इससे, टॉफी? टॉफी नहीं, अबे साले टॉफी, वहां तो टॉफी महंगी होती होगी। तो फाइनली गाइस जॉनी के पास पैसे आ चुके हैं, ये अंदर जाना चाह रहा है, इतने सैकड़ों रुपए से जो है शॉपिंग करना चाह रहा है भाई। कुल मिला के 20 रुपए है। नहीं नहीं वही, इसका नेपाल का नोट है, नेपाल का सिक्का है, सॉरी ये 1000 का नोट है भाई। मां बैठ, हजार का, पता नहीं कितने का है, जितने का भी होगा बता देना कितने का है गाइस। इन्हें वो चिल्लर लेके बाहर निकाल दिया गया है गाइस। उसके बाद यहाँ बैठा हुआ है बादाम शेक, बादाम शेक भी पिला देंगे भाई। और भाई हमारे को आज भाई जी बादाम शेक पिलाएंगे, क्यों दादा? वो भी फ्री में, बहुत जी आ रहे हमारे अभी कंपनी के ओनर, वो हमें छुड़ाएंगे। रॉबिन सिंह देवा। तो गाइस यहाँ से पियेंगे हम बादाम शेक, आप भी अगर पीना चाहते हैं तो आप भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया बादाम शेक है। वहाँ पे भी है दो, यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे भी है, चार है दोस्तों यहाँ पर, एक यहाँ पर है और तीन यहाँ पर है। तो गाइस हम पी रहे हैं मलाई कोफ्ता, हम पी रहे हैं यहाँ पर बादाम शेक, सोलन का बेस्ट बादाम शेक, हर जगह आपको मिल जाएंगे, कोटला नाला भाई। आइसक्रीम डाल दो आप, कौन सी आइसक्रीम, वेनिला है, जो भी डालनी डाल दो आप। तो गाइस यहाँ पर मैं और जॉनी जी जो है बादाम शेक का लुत्फ उठाएंगे अभी, क्योंकि बादाम शेक जरूरी है हेल्थ के लिए। और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से रूम और हमारा व्लॉग हो जाएगा समाप्त। भाई ने तैयार कर दिए दो बादाम शेक, 50 रुपये मात्र, धन्यवाद भाई जी आपका। देख ही नहीं रहे, आप तो इग्नोर कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों डेकोरेशन हो रही है हमारे शेक की। हाँ भाई कैसा है, खट्टा खट्टा है। तू साले ढंग के रिव्यू ना दियो ना, वाकई थोड़ा सा कड़वा भी है ये बादाम जो गाइस है, इसकी बातों पे ध्यान ना दिया जाए, कड़वा है, हंसी को भी ना रुकिया जाए दोस्तों इसके। सनसेट और बादाम शेक मस्त, एकदम मस्त, एकदम मस्त। ये कौन सी आइसक्रीम है भाई? बटर स्कॉच है ना, ये देख लो ऊपर। अरे जो ये आइसक्रीम है ना, जो इनके ऊपर क्या वो क्रश डाल देते हैं ना, हाँ चॉकलेट वाला, फोटो में दिखने लग जाता। मतलब आप झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं? सच्ची तो बोल रहे। जैसे आपका आइसक्रीम के ऊपर वो क्रश डाल दो, अलग अलग फ्लेवर की, अलग अलग डिजाइन और फ्लेवर दोनों अलग। ओके सर, समझे भाई जी? इसको पता है क्या, इसको ना परे हवेली में गया था चिल्लर लेके, इसको निकाल दिया। बड़ा था, मैंने शॉपिंग करनी है बोले। इसको गेट पे से इसमें जो चिल्लर थे ना इस बार ले लिए वो भी, और फिर अंदर भी नहीं जाने दिए। उसके बाद ये आ रहा है यहाँ पर शेक पीने, शेक पीने, यला हबीबी हम शेक पीती। तो गाइज अब हम बादाम शेक पीने के बाद निकल चुके हैं यहाँ से वापस, और हमारे साथ एक अन्य मानुष जुड़ चुका है, रॉबिन देवा, जो कि बंदरों की भांति आइसक्रीम खा रहा है, और यहाँ पर जॉनी की हंसी नहीं रुक पा रही है गाइज, फालतू में हंसता रहता है। सो गाइज अब हम रूम की तरफ निकल चुके हैं, और ये बड़ी दुख की बात है गाइज कि जॉनी को बाहर निकाल दिया है हवेली से, हवेली से
कुछ चंद चिल्लर लेके अंदर जा रहा था, कुछ चंद चिल्लर लेके जा रहा था। गाड़ी गाड़ी क्या हमारे को दिख नहीं रही है, तो गाइस उसको निकाल दिया है। एक लाइट ना धीमी जल रही है गाड़ी की, तू बस गाड़ियों की अनबॉक्सिंग ही किया कर। तो गाइस मिलते हैं रूम पर जाके। ओके सो गाइस हम रूम पर पहुंच चुके हैं। अब जो है मिस्टर रोहित नेगी जो है हमारे मास्टर शेफ बनेंगे और रोहित नेगी जी जो है खाना बनाएंगे। क्यों रोहित नेगी जी खाना बनाएंगे आप? जी हाँ, रोहित नेगी जी हमारे आज के शेफ है और खाना बनाएंगे। ऐसे बोलना पड़ता तो खाना तो बनाया मिल जाएगा, क्यों जी इतना सच भी नहीं बोलना था। सो गाइस इसके बाद जो है खाना बनाते हैं, और क्या हम खाने की वीडियो भी डालेंगे? नहीं, तो इस व्लॉग का समापन यही करते हैं। अगर बनाई बीच में वीडियो तो खाने की वीडियो भी डालेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। होपफुली आपको व्लॉग ठीक ठीक ओके ओके लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, गालियाँ नहीं देना बस। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल कैम्प फिल्म व्लॉग्स। ओके बाय, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय श्री राम।